नाम मोहम्मद अदनान इकबाल है और बेसिकली CSS की एक जो जर्नी है वो थोड़ी सी हर एस्पायरेंट की जो होती है वो उसकी एक अपनी कहानी होती है, अपनी एक स्टोरी होती है। तो हमारी भी इसी तरह है, बेसिकली इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। नस्ट इस्लामाबाद से सिविल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद 4-5 साल अपनी फील्ड में गुजारे। फिर CSS की जब जर्नी स्टार्ट हुई तो इकरा से जुड़ गए। फिर 2017 वाली CSS की अटेम्प्ट क्वालिफाई की, एलोकेशन नहीं हुई, फिर दोबारा जॉब कंटिन्यू रखी अपनी इंजीनियरिंग वाली फील्ड की। और फॉर्चुनेटली अब वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जर्नी थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन मिल जाती हैं। अल्लाह पाक ने जो आपका एक मुकाम रखा है वो आप अचीव करके ही रहते हैं। तो एलोकेशन इस साल फाइनलाइज हुई, ये इलेक्शन ऑफिसर्स की अभी हुई थी। तो सरगोधा के माशाल्लाह 5 लड़के जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं ग्रेड 17 में। तो ये एक बड़ी बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, सरगोधा के लिए। तो सरगोधा के सबसे ज़्यादा हैं, ये आप सबको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि सरगोधा के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी ये है कि लाहौर सेंटर या कराची सेंटर ऐसे सेंटर्स हैं जिसके वैसे ही वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, तो वो काफ़ी सारे आते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज़ देखा जाए तो आपकी डिस्ट्रिक्ट सरगोधा से सबसे ज़्यादा इलेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि वो सारे के सारे या तो PMS के एस्पायरेंट्स थे या क्वालिफायर थे, या CSS के एस्पायरेंट्स या क्वालिफायर थे, ठीक है। और जो कुछ बहुत ब्राइट हैं जो कि नहीं भी हुए, लेकिन वो इसी जर्नी के ऊपर ही कंटिन्यूस लगे हुए हैं। अभी जिस तरह इमरान साहब ने पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशनल भी बातें बता दी, इरफान साहब ने भी बता दी, आपको ये थोड़ा सा गाइड भी कर दिया उमेर साहब ने जो आपकी बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट की इंक्लूजन के बारे में, तो वो बात वही है कि आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट वाला इन्होंने शुरू किया है उसमें ज़रूरी बात आप लोगों को समझने वाली ये थी कि पहले इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा था इतने ज़्यादा अपीयर होने वालों की वजह से। सपोज़ अगर आपके 50,000 एप्लीकेंट्स हैं या 70,000 एप्लीकेंट्स हैं, 10,000 उस टेस्ट में अपीयर हो गए हैं, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता था। उसकी वजह से जो बच्चे अच्छा पेपर भी अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके भी पेपर उस तरीके से वो मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो स्क्रीनिंग टेस्ट का इजाफा होना है ये आप लोगों का अपना एडवांटेज है क्योंकि जो आपके फ़िल्टर होने हैं बच्चे वो यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक लेवल जिसका ठीक है वो तो आगे जाएगा, जो बेसिक्स में ही वीक है वो यहीं पे साइडलाइन हो जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है क्योंकि 33% मार्क्स क्योर करना दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आपने इसमें कोई 70-80% पे आपकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, 33% पे हो रही है, तो वो इंशाल्लाह आप सब अगर इस ट्रैक पे चलते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा आपकी CSS की जर्नी में वो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप लोग कितना कंसिस्टेंट हो के कितने डेडिकेटेड हो के इस जर्नी के ऊपर वॉक करते हैं। बाद में ये होता है कि जब कोई एलोकेट हो जाता है तो हमने अक्सर सुना होगा आप लोगों ने भी कि मैंने तो यार पढ़ा ही नहीं था, 1-2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। ये भी आपको सुनने को मिला होगा अक्सर जगहों पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आप 6 महीने भी बेशक पढ़े हैं बट कंसिस्टेंट होके पढ़ें। आप 4 घंटे से स्टार्ट करते हैं, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, इस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप 1-2 साल भी पढ़ते रहें और आप 2 दिन पढ़ते हैं और फिर हफ्ता नहीं पढ़ते तो ये काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट होना आपका, इसके साथ डेडिकेटेड होके रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इमरान साहब हमें जिक्र किया करते थे कि ये CSS की जो प्रिपरेशन है ना वो एक फुल टाइम जॉब है, इसको आप एक पार्ट टाइम एक्टिविटी के तौर पे ना लें, ठीक है ना। और अगर जब आपने एम करना ही है, किसी 1 पेपर की तैयारी करनी ही है, तो फिर CSS या PMS को हिट करें, ठीक है। वो एक कोट आप लोगों ने सुनी होगी कि अ मैंस रीच शुड इंक्रीज हिज ग्रास्प और व्हाट आर द हेवंस फॉर। उसकी मतलब ये है कि आपने जब एम करना है ना तो फिर स्काई हाई एम होना चाहिए, स्टार्स पे एम होना चाहिए, पर नेवर सेटल फॉर द लेस, ठीक है। आप हमेशा एम हाई करें, उसके लिए आप स्ट्रगल करें और वो प्रिपरेशन आपकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बनती जाएगी। क्योंकि जब एक काम पे
एक इंसान चल पड़ता है ना तो अल्लाह पाक उसका हाथ पकड़ते हुए देर नहीं लगाते। ठीक, अच्छा थोड़ी सी सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करते जाते हैं। ऐसे के मुतालिक तो आप लोगों को इमरान साहब से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला है, क्योंकि इमरान साहब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाएंगे। आपकी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी है जिसको इन्होंने फ्लरिश करना है, पॉलिश करना है इन्होंने। सिर्फ आपका इनपुट सारा अपना ही होता है। ठीक है, ऐसे के मुतालिक जो रटी रटाई चीज़ है उसको आप अगर उधर कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो कभी भी ऐसे पास नहीं होता सी एस एस या पी एम एस का, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा लिख लिया। ठीक है, आपको ये सीखना है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने न्यू आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, वो क्या कैसे आपकी एक इनजेन्युइन किस्म की एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेसिंग जो होगी, जब वो क्रिएटिव थॉट प्रोसेसिंग आपके पेन के साथ कनेक्ट होगी देन यू विल प्रोड्यूस मार्वल्स। वो चीज़ है जो आप लोगों ने सीखनी है। वो आपको इंशाल्लाह जिस तरह इमरान साहब आपकी एक्टिविटीज़ वो करवाएंगे, आपके सेशंस करवाएंगे, तो वक्त के साथ साथ उसमें आपकी डेवलप हो जाती है, आपकी थॉट प्रोसेसिंग ही इस तरह निकलती है कि आपके नई न्यू आइडियाज़ आप खुद ब खुद जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा जो इंसान ऐसे उस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके लिखेगा वो ऐसे हमेशा पास होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर हम सी एस एस के ऐसे को ले लें, अगर 3 घंटे का आपने उधर ऐसे लिखना है तो ऑलमोस्ट 1 आवर जो है वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग और फाइनलाइजेशन ऑफ आउटलाइन में चला जाता। 2 आवर्स आर मोर देन इनफ टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। ठीक है, अगर आपने अपनी बेस अच्छी सेट कर ली है, अपने आइडियाज़ जनरेट कर लिए हैं, तो 2 घंटे आपके लिए मोर देन इनफ हैं ऐसे लिखने के लिए। आगे ये जो आपके पास स्क्रीनिंग ऐड होने की वजह से आपका जो सेकंड पेपर है, प्रेसी का जो पेपर है, वो यहीं पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जो आपकी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन है यही आपकी प्रेसी में काम आनी है। ठीक है, जितने भी आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी यहाँ पर कवर हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी यही प्रिपरेशन आपके साथ उस पेपर में आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक, और जो प्रेसी है, पास्ट पेपर्स भी अटैम्प्ट करते हैं, इधर भी एक आपके रेगुलरली चलते रहेंगे, प्रिपरेशन के दरमियान आपके टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन के चलते रहते हैं। एंड पे आपके पास एक बेहतरीन कुलिया ये होता है कि आप डॉन का एडिटोरियल आपने पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी है आपने डॉन का एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपका बड़ा अच्छा एक एनालिसिस डिवेलप करवा रहा होता है। तो आप उसकी प्रेसी लिख लें बैठ के और फिर सर को चेक करवा दें, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो आपकी प्रेसी आहिस्ता आहिस्ता फिर पॉलिश होती जाती है। आप खुद फील करेंगे कि व्हेन यू एंटर द एकेडमी एंड व्हेन यू लीव द एकेडमी आफ्टर 3 or 4 months, जितना भी आपका टाइम स्केल होगा, तो आपकी प्रेसी में कितनी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये इस वजह से आपकी वक्त के साथ साथ चीज़ें पॉलिश होती हैं, कोई भी पहली रात में अरस्तू नहीं बन के आ जाता, वक्त के साथ साथ जो होती हैं चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। एवरीडे साइंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक वो कोर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला वो होता है। एवरीडे साइंस बेसिकली एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कि आपको या तो बहुत ऊपर ले जाता है या बहुत नीचे ले जाता है। ठीक है, आपके पास जो हमारे स्कोरिंग का ट्रेंड है वो आप लोगों को पता ही होगा, 120 का एक ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास GK1, GK2 और GK3, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। ठीक है, जिसमें आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स आ जाता है। उसमें आपके पास एवरीडे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है, 60-70+। ठीक है, अगर आपकी उसमें प्रिपरेशन अच्छी है, मैथमेटिकल नंबर हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं एग्जामिनर से, जितना अच्छी तरीके से आप उसके ऊपर ग्रिप लेकर आएंगे उतनी अच्छी तरीके से आपका स्कोर जो 120 में से आना है वो आपका 160+, 170+, इवन 180+ भी चला जाएगा। तो वो उसके ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर आप लोगों को मेजर फोकस करना चाहिए। जब आप ख़ासतौर जो स्क्रीनिंग, अगर आप लोगों ने देखा है सबने या नहीं देखा अभी तक, वो जो ऐड आई है उसमें परसेंटेज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली आप लोगों ने, अगर आप उसकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें एवरीडे साइंस की आ रही हैं। उसमें उस कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया, आपका साइंस का कंटेंट अलग है, बेसिक मैथ अलग है, कंप्यूटर साइंस अलग है, जैसे उमेर साहब ने अभी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो वो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट बन जाता है। और वो ऐसा है कि जो कि पेट नंबर है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये आपका बहुत ब्रॉड हो जाता है और बहुत कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, बहुत कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, ये आपके फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि चेंज इस तरह नहीं होते, ये थोड़े से कंक्रीट फैक्ट्स हैं,
और इनको आपने फिर याद करना है या कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअलाइज करना, हमारा तरीका ये होता है कि हम लोग आपको रटी रटाई बात ना बताएं, थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि स्टोरी वाइज आपको समझाएं या डायग्राम्स वगैरह से या जो भी फिगर्स वगैरह टेबल वगैरह वो आपको चीज़ें जो होती हैं ना फिर आपकी काफ़ी अरसे तक ब्रेन के अंदर कर जाती हैं सिस्टम। लेकिन ये है कि आप लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस रखना है कि आपका 33% कितनी जल्दी कितना ईजिली आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपके पास जो ऑप्शनल्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग के साथ आपने फिर जब अपनी रेगुलर CSS की प्रिपरेशन फॉर द मेन एग्ज़ाम करनी है, ऑप्शनल की जो आपकी चॉइस होगी वो आपको बनाएगी या तो बिल्कुल रहा देगी, ठीक है? अपना कॉम्बो ऐसा सिलेक्ट करें जो कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हों। हमेशा अपना कॉम्बो सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल में ऐसे सिलेक्ट करें जैसे कि ओवरलैपिंग हो। जैसे कि पोल साइंस है तो उसके साथ आप पब्लिक एड उठा सकते हैं, उसके साथ सोशियोलॉजी उठा सकते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या क्रिमिनोलॉजी में से उसके साथ उठा सकते हैं। जेंडर बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में, जब इन्वायरमेंटल वाले ग्रुप में, तो जेंडर पिक करना इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी, ठीक है? आपको एक तो ओवरऑल नोहा हो जाती है, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है, ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जेंडर का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे हमेशा आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो, अपने ऑप्शनल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप पोल साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके जो पॉलिटिकल डायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी एसेज हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर आप IR प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने आपके एसेज हैं वो कवर हो रहे हैं। अगर आप जेंडर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वुमेन से रिलेटेड जो ऐसे हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि आपके पास जो एक रैंडम बच्चे ने वो ऐसे अटेम्प्ट करना है वुमेन के ऊपर, वो अगर जेंडर सब्जेक्ट वाला अटेम्प्ट करेगा तो कितना डिफरेंस होगा उसमें, क्योंकि उसको अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए थ्योरीज भी अवेलेबल हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हमेशा ऐसा सब्जेक्ट पिक करें कि जो आपके साथ एक तो ओवरलैपिंग में जा रहा हो, आपको ऐसे में भी हेल्पफुल हो और आपकी आउटलाइंस और ऐसे की जो मटेरियल है वो साथ साथ उसके साथ प्रिपेयर होता चला जाए। तो बस बात को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ जब नेक्स्ट सेशंस होंगे तो फिर फर्दर इसको हम एलेबोरेट करते जाएंगे बातों को। तो बस आप लोगों ने एक और कोट पे मैं एंड करता हूँ। पाउलो कोएलो की एक बड़ी मशहूर कोट है, वो कहता है कि इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग। जो आपकी एक ड्रीम, जो एक मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वो जब उसकी पॉसिबिलिटी होती है ना कि वो मुझे अचीव हो जाएगी, वही है जो आपको चलाती है। अगर आप उम्मीद का दामन छोड़ देंगे तो वहीं रुक जाएंगे। चलते रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिजर्वेंस और आपकी कंसिस्टेंसी उम्मीद के साथ। उम्मीद होगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोग चलते रहेंगे। थैंक यू।